अच्छा जी, टाइम हो गया हमारा काफ़ी ज़्यादा, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे या रिकॉर्डिंग से वो लोग देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफिलिएट मार्केटिंग के नॉलेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग हमें बेसिकली वर्किंग को सिखा देता है ये चीज़। आज जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो हमें ए टू जी वर्किंग, चाहे वो अमेजोन की वर्किंग हो, चाहे वो गूगल की वर्किंग हो, चाहे किसी लोकल प्राइवेट वेबसाइट की हो, हमें वो एसईओ से रिलेटेड हमें रैंकिंग, उसकी वर्किंग वगैरह सिखा देगा आज हमें। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर उस लिहाज से हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ नहीं आ रहा, मैं प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके नहीं सिखाने वाला यहाँ पे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी भी है कि हमारे पास दो गिन के टूल हैं, एक हमारे पास Helium-10 है और दूसरा हमारे पास AHREF है। ठीक है जी। Helium-10 भी हमें वही चीज़ बताता है जो AHREF बताता है। हाँ, दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास लाजमी होनी चाहिए कि एक तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम ना हो उस नीश का। आज मैं आप लोगों को मल्टीपल नीश का क्या प्रॉफिट मार्जिन है ये भी बता दूंगा। ठीक है जी। तो जब हम लोग Helium-10 के ऊपर या AHREF के ऊपर वर्किंग कर रहे हो तो दो से तीन चीज़ों के ऊपर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक तो हमने कभी भी अपने अपने शौक से हटके कोई काम नहीं करना है। जिस फील्ड में शौक है, जिस फील्ड के बारे में शौक नहीं कम से कम नॉलेज है, हमें हमेशा उसी फील्ड में जाना है। सेकेंडली के प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम ना हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम हो जाता है तो बेसिकली उसमें इश्यू ये होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे जो हमें हमारी अर्निंग होती है वो कम हो जाती होती है। ठीक है जी। तो एक लिमिट हम लोग जरूर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है जो हमें पर प्रोडक्ट की सेलिंग पे मिलेगा वो 5% से कम ना हो। सेकेंड चीज ये थी हमारी। थर्ड चीज क्या है कि AHREF हमें जो कीवर्ड दिखाएगा हमारी नीश से रिलेटेड। लेट्स सपोज मेरी नीश है आप कह लें कि एश्ट्रे, एश्ट्रे है मेरी नीश, और मैं एश्ट्रे के ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट करनी है। नीश रिलेटेड मेरी वेबसाइट होगी और मैंने एश्ट्रे से स्टार्ट करना है। मैंने एक कीवर्ड पकड़ा एश्ट्रे, क्योंकि मोस्टली उस प्रोडक्ट को एश्रे के नाम से ही जाना जाता है। मैं AHREF के ऊपर गया और AHREF के ऊपर जाने के बाद मैंने वो कीवर्ड टाइप किया और AHREF ने ये बताया कि आपने जो कीवर्ड टाइप किया है, इस कीवर्ड के टॉप 5 जो कीवर्ड्स हैं, आपको लिस्ट में टॉप 5 जो कीवर्ड नजर आए जिनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो, उनका कंबाइन, उनका सम करना है उनके सर्च वॉल्यूम का। तो अगर तो टॉप 5 कीवर्ड का जो आपके सामने आ रहे हैं उनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 80% है उनका कंबाइंड, तब हम कहेंगे कि इस नीश में जाना हमारे लिए फिजिबल है। अगर उससे कम होगा तो हम उस नीश में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वजह यह है कि 80,000 से कम वाली ट्रैफिक वाली प्रोडक्ट के ऊपर या उससे कम वाली ट्रैफिक वाली नीश के ऊपर जाने से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नीश की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, तो 80,000 सर्च वॉल्यूम पर मंथ वाली नीश से कम वाली नीश में जाने का मतलब ये है कि ट्रैफिक बहुत कम जनरेट होगी, और जितनी कम ट्रैफिक उतनी कम कन्वर्जन, जितनी कम कन्वर्जन उतने कम ऑर्डर्स, और जितने कम ऑर्डर्स उतनी कम अर्निंग, और वंस अर्निंग कम हो गई तो वैल्यू कम हो जाएगी हमारी वेबसाइट की, उसकी वर्थ कम हो जाएगी। हमारी माइंड में एक सोच है कि हमने 6 महीने बाद अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर देना है, चाहे जिस मर्जी सिनेरियो में बैठे हो, हमारी सोच ये है। तो अगर हमने ये गलती कर दिया कि हमने अपनी जो पहली पहली ही वेबसाइट है वो एक लो नीश रिलेटेड आइटम्स में जाके हमने जाया कर दी है, तो उसे अर्निंग हमारी इतनी खास नहीं होगी। तो ये चीज हमने नहीं करनी कभी भी। सर्च वॉल्यूम कंबाइंड, आप लोगों ने काफी, आप लोग ये बात करते रहे हैं कि एनेबलर्स वाले या एक्सट्रीम कॉमर्स वाले कहते हैं कि टॉप 5 कीवर्ड ये जो हो उनका कंबाइंड सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। मैं उस चीज में एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज में एफिलिएट मार्केटिंग में बिल्कुल एग्री करूंगा कि हम लोग जब भी क्या नाम है कीवर्ड्स का एनालिसिस करते हैं AHREF के ऊपर, तो हम लोग टॉप 5 कंबाइन कीवर्ड्स का करते हैं, कि जो टॉप 5 पे हमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो AHREF हमें कीवर्ड्स दिखा रहा है, उनका कंबाइन सर्च वॉल्यूम क्या है। तो अगर तो उनका कंबाइन सर्च वॉल्यूम मोर देन 80,000 है, तब हम कहेंगे कि ठीक है जी, इस
नीश के अंदर जाना हमारे लिए अब फिजिबल है, तब हम उस नीश में जाएंगे और उसके अंदर लॉन्च करेंगे। तो ये दो से तीन चीजें हैं जिनका मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ये करते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग सीधा आते हैं अपने अब मेन चीज की तरफ, ताकि हम बोर ना हो कि एक हर चीज एक बार 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 एक ही चीज आई जा रही है, कोई नई चीज की तरफ आते हैं। अच्छा है जी, लेट्स सपोज हमने वेबसाइट क्रिएट करवा ली अपनी किसी भी प्राइवेट वेबसाइट डेवलपर के थ्रू, हम खुद भी अगर हमें आती है तो वर्डप्रेस के थ्रू हमने खुद ही अपनी वेबसाइट जनरेट कर दी है। वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए वैसे ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कल एक वेबसाइट दिखाई थी, आज दोबारा देख लेते हैं कि वेबसाइट होनी कैसी चाहिए। ठीक है जी, वेबसाइट जो होती है ना आप लोगों की, बेसिकली आप लगा लें कि गेमिंग से रिलेटेड ही कह लेते हैं। चलो जी, गेमिंग हेडफोन्स के ऊपर ही आ जाते हैं, और एक दो अच्छी वेबसाइट्स, क्योंकि वेबसाइट डेवलपिंग करना हमने यहाँ पे सीखना नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम लोग देख लें कि हमने वर्किंग कैसे करनी कैसे है। ठीक है, ताकि जब हम लोग उधर जाएं मार्केट में तो हम कम से कम, अगर खुद ना कर रहे हो लेकिन कम से कम जो हमारी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हो उसको हम बता सकें, गाइड कर सकें कि आपने ये चीजें हमारी वेबसाइट में करनी है। अब आप लोगों के सामने एक वेबसाइट है, अभी सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अच्छी वेबसाइट और बुरी वेबसाइट में क्या फर्क है। एक ऐसी वेबसाइट जो बायर्स को प्रोडक्ट की परचेजिंग में कन्वर्ट कर दे, वो कौन सी वेबसाइट होती है, और एक ऐसी वेबसाइट जो कि देख के बंदा कहे कि यार इसमें तो कोई चीज है नहीं ऐसी के इसको बंदा परचेज करे, उस वेबसाइट में क्या फर्क है। अब ये आपके सामने एक वेबसाइट खोली है मैंने हेडफोन्स की नीश के अंदर, टॉप पेज पे रैंक है। ठीक है जी, गेमिंग हेडफोन एक कीवर्ड है उसका, जिसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। ठीक है जी, अच्छा अब एज अ एफिलिएट मार्केटर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं जो वेबसाइट क्रिएट करूँ ना उसमें पहले मैं अपने, क्योंकि लोग मेरी वेबसाइट पे क्या करने आए हैं, लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं आर्टिकल पढ़ने के लिए। मैं किन को टारगेट कर रहा हूँ, मैं एफिलिएट वेबसाइट्स को टारगेट कर रहा हूँ जो कि आर्टिकल राइटिंग के थ्रू ब्लॉगिंग करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक करते हैं और ब्लॉगिंग के ऊपर से ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है जी, रिकमेंडेशंस देते हैं, लोग उनकी रिकमेंडेशंस को मानते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, गूगल के इन्फ्लुएंसर्स कह लें आप। अच्छा, अब मैं एक गूगल का इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है, मैंने बैकलिंक्स देना है दूसरे लोगों की वेबसाइट के ऊपर, और उधर से जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगी वो क्या करने आ रही है, वो ऑब्वियसली मैंने जो कमेंट किया था, मैंने जो उधर थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर किया था उसको ब्रॉड रेंज में लेके जाने के लिए, उसको ज्यादा मेरी ब्लॉगिंग को देखने के लिए, मेरे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट पे आ रही है। मेन मकसद उनका ये है, और उनमें से कुछ लोगों का मकसद है, उनमें से सिर्फ 1% लोगों का मकसद है, मैक्सिमम 1% लोगों का मकसद है कि वो ना सिर्फ आर्टिकल पढ़ेंगे, ना सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे, बल्कि जो मैं उनको सजेस्ट करूंगा उस सजेशन के ऊपर वर्किंग करते हुए उस प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे। ठीक है जी, तो अगर हम लोग उस सिनेरियो में जाके देखें तो ये वेबसाइट इसमें वो चीज नहीं है, इस वेबसाइट में वो चीज नहीं है। हालांकि मेहनत इसने बहुत की हुई है, इसने कैटेगरी वाइज चीजों को डिवाइड किया हुआ है, प्राइस रेंज के लिहाज से डिवाइड किया है, ब्रांड के लिहाज से डिवाइड किया हुआ है, या आप लोगों के लिए ना आइडियाज आ रहे हैं, प्राइस के लिहाज से डिफरेंशिएट किया हुआ है, प्राइस के लिहाज से डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए, ब्रांड के लिहाज से डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए, वारंटी के लिहाज से डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए, वायरलेस के लिहाज से और डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए। तो आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों के पास आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, आर्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, आप दूसरे लोगों के भी वेबसाइट से भी इस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर हमने देखना है कि लोग आ रहे हैं आर्टिकल पढ़ने, 99% लोग आ रहे हैं आर्टिकल पढ़ने, तो उस लिहाज से देखें तो ये वेबसाइट उस तरह डेवलप नहीं हुई। ये वेबसाइट का 100% काम क्या है, इस वेबसाइट का अप्रोक्सीमेटली 100% काम यह है कि बस ये लोगों को प्रोडक्ट सेल करे। और इसने क्या किया हुआ है, इसने कोई ब्लॉगिंग नहीं की अभी तक, यहाँ पे आप लोगों के सामने कोई ब्लॉग, इसके ब्लॉग्स वगैरह नहीं शो हो रहे, सिंपल इसने सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऊपर शो कराया हुआ है और इसने SEO वगैरह करके अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, सिंपल ये चीज है। ठीक है जी, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि हम ना सिर्फ प्रोडक्ट को आगे सेल करें बल्कि पहले उनको क्वालिटी प्राइस कंटेंट प्रोवाइड करें जो उन्होंने पढ़ना है। ठीक है जी, वो पहले उस चीज को रीड करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे, बाद में वो हमारी प्रोडक्ट की परचेजिंग की तरफ आएंगे। ठीक है जी, तो
तो ये वेबसाइट हमारे उस सिनेरियो के मुताबिक नहीं है। तो ये हमारी कौन सी वेबसाइट आ गई, ये हमारे लिहाज से एक बुरी वेबसाइट में आ गई। उसी तरह हम लोग और भी वेबसाइट्स देख लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ तो आप लोगों ने सबसे पहले ये कर लेनी है ना कि आप लोगों ने अपना जो सर्चिंग है ना बेसिकली गूगल की, वो आप लोगों ने ना यूएसए के लिहाज से कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके सामने पाकिस्तान की आ रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है हमारे सामने, पहली वाली वेबसाइट को हमने क्या कह दिया कि नहीं जी वो हमारे मुताबिक नहीं है, इसलिए उसको हम कह देते हैं कि वो एक बुरी वेबसाइट है। हालांकि है तो ठीक है, मतलब उसने बड़ी अच्छा मेहनत भी की हुई है, बड़ी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी शो कराई हुई है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हैं, बायर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं, लेकिन हमारे लिहाज से नहीं है, हमारे ब्लॉगिंग के लिहाज से नहीं है, हमारे आर्टिकल वाइज के लिहाज से नहीं है। अच्छा, अब ये एक सेकंड वेबसाइट है, इसमें क्या है, इस सेकंड वेबसाइट में वो ना सिर्फ प्रोडक्ट को, हालांकि ये भी हमारे पॉइंट के, हमारे सोच के मुताबिक नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, लेकिन इस बंदे ने क्या किया हुआ, इस बंदे ने फीडबैक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मेन मकसद पूरा हो रहा है, इस बंदे ने फीडबैक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ये बंदा कहता है कि जी आए हमारी वेबसाइट पे फीडबैक दें कि हमने जो आर्टिकल लिखा था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो फीडबैक बताएं हमारे बारे में, ठीक है जी, अबाउट अस, हमारे बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वेबसाइट से। ये देखें, इसने ब्लॉगिंग की हुई है, वो थोड़ी बहुत, ए टू सी नहीं, थोड़ी बहुत इसने की हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे नीचे भी ब्लॉगिंग के ऑप्शन देते हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इसने ए टू सी हमारे अभी तक, अच्छा तो क्योंकि इस बंदे ने अभी तक हमारे मतलब के मुताबिक अभी तक इधर 100% की वेबसाइट नहीं आई, वो बेसिकली अंग्रेजों की ही होती है, पाकिस्तानियों को तो ए टू सी मकसद यही होता है कि बस वेबसाइट ली है, वेबसाइट के ऊपर लगा दो धड़ाधड़ प्रोडक्ट लगा दो, कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या करने आ रहे हैं। और पाकिस्तानी, मैं इस चीज को बुरा नहीं कहूंगा, अगर आप लोग मेरे से पूछे ना तो मैं इस चीज को बुरा नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी बायर्स की भी मेंटेलिटी यही है कि अगर वो किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज करने जाना है। 80% 85% लोगों की मेंटेलिटी यही है। तो जो पाकिस्तानी पे जो सेलर्स हैं, जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी उनकी मेंटेलिटी को समझते हुए ये काम किया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन अब हमने क्योंकि वर्किंग करनी है अंग्रेजों के साथ, हमने वर्किंग करनी है यूएसए के अंदर, हमने वर्किंग करनी है यूके के अंदर, वहां ये मेंटेलिटी वर्क नहीं करती, वहां ये मेंटेलिटी वर्क नहीं करती। वहां क्या मेंटेलिटी वर्क करती है, वहां अगर किसी ने, क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास है सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन, फिजिकल वो बहुत बहुत कम जाते हैं, ठीक है जी, 100 में से कोई एक या दो बंदा जाता है फिजिकल, बाकी सारे ऑनलाइन रहते हैं। तो उनकी ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह होती है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग और उनकी ऑनलाइन शॉपिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह होती है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन की प्रोडक्ट परचेज करनी है, चाहे वो वेबसाइट जितनी भी अथेंटिक वेबसाइट हो, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने देखना है कि उस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे किस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड किस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तो ए टू जी आपकी प्रोडक्ट, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, जिस तरह अमेजोन में हमने ए टू जी इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के मुताबिक, और बिलीव भी मैंने तो इस तरह की चीज़ें भी देखी हुई है कि अगर लिस्टिंग क्रिएट करते हुए हमसे कोई एरर आ गया, हमसे कोई चीज़ ठीक ना उधर बताई गई या किसी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आ गई, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो आपको बायर मैसेजेस में मैसेज करके बताते हैं कि भाईजान आपकी लिस्टिंग में ये इशू है, तो क्या आप हमें बताएं कि आप वाकई में ये चीज है या ऐसी नहीं है। तो इतने ज्यादा सीरियस हैं वो लोग, तो उनकी मेंटेलिटी के मुताबिक हमें अगर वर्किंग करनी है तो सिर्फ एक मेथड है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टार्टिंग में इतना फोकस नहीं करना, करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, करना है, लेकिन स्टार्टिंग में मेन मकसद क्या है, स्टार्टिंग में मेन मकसद है गुड क्वालिटी की ब्लॉगिंग करना, गुड क्वालिटी क्या नाम है उधर, क्या नाम है, कमेंट्स वगैरह करना, अपने आर्टिकल लिखना, हमारे आर्टिकल से पता लगना चाहिए कि इस बंदे ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जो आज तक किसी ने नहीं की। ये तो वैसे बहुत रेयर बात मैंने कर दी है, लेकिन कम से कम यूनिक हो आप लोग में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिससे लगे कि आपका ब्लॉगिंग की स्पेसिफिकेशन अलग अलग है आपकी, बाकी चाहे सारा आप सेम लिख ले,
आप अगर 100% में से आप 30% भी थोड़ी बहुत अपनी स्पेसिफिकेशंस ऐड कर दें तो वो भी बेस्ट होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि किसी के आर्टिकल उठा के उसको पेस्ट करके कॉपी करके यहाँ पे चढ़ा देना, नहीं, वो फिर आपको गूगल बैन कर देगा, वो नहीं करना। लेकिन आप किसी से आइडिया ले सकते हैं, आप किसी की वेबसाइट से आइडिया ले सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज आप कहें कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, वैसे है तो नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज करें कि आप कहते हैं कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आप इस वेबसाइट से आइडिया ले सकते हैं कि मैंने जो पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं, ये पेजेस कहते हैं इनको ना, पेजेस कहते हैं, ठीक है जी। आप लोग अमेजोन के ऊपर, मैंने वैसे आज ना कराना था, अगर वैसे आज स्टूडेंट भी थोड़े हैं, चलो शुक्र है मैंने नहीं किया वो। मेरा वैसे आज का जो प्लान था ना, मैंने आज ना स्टोर क्रिएट करना था अपना अमेजोन यूके में, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने बैठ के करूँ ताकि आप लोगों को भी ना वो थोड़ा सा हो जाए। लेकिन चले, स्टूडेंट्स थोड़े हैं तो इस वजह से हम वो नहीं कर सकते। अच्छा, तो वैसे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अमेजोन में भी जब हम अपना स्टोर क्रिएट करते हैं ना, तो ये जो चीज़ें होती है ना, इनको कहते हैं पेजेस। तो पेजेस, मल्टीपल पेजेस के अंदर मल्टीपल फिर सब नीशेज वगैरह आ जाती हैं, उनके कंटेंट वगैरह आते हैं, पेजेस के अंदर कंटेंट आते हैं। तो अगर आप इसकी वेबसाइट को देखा आपने और आपको आपने देखा कि यार इस बंदे ने जो पेजेस की ऑप्शंस है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल शो कराई हुई है, और ऊपर इसने ब्रांड नेम के साथ अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की हुई है, तो मैं भी इसी तरह कर लूंगा। मैं बिल्कुल यही कॉन्टैक्ट नहीं चढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल इसी तरह का कलर वाइज, इस तरह का फॉन्ट साइज वगैरह मैं इस तरह नहीं रखूंगा, लेकिन आइडिया मैं ले लूंगा इससे कि मैं करूंगा क्या। फिर उसके नीचे मैं नीशेज वगैरह बता दूंगा कि ये हमारी नीशेज हैं, आप किस नीश में जाना चाह रहे हैं, उस नीश में आए, उस नीश को क्लिक करें, ऑर्डर करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, रिफंड वगैरह पॉलिसी हमारी क्या है, आर्टिकल ब्लॉगिंग, यहाँ ब्लॉगिंग का टैब बनाए, वहां पे आपके सारे ब्लॉगिंग में जाए बंदा तो ब्लॉगिंग में आपके सारे आगे टैब्स बने हो कि हेडफोन्स 2019, हेडफोन्स 2020, ओग्जो वर्सेस ये सारे आर्टिकल्स के आपके बने हो, डेली बेसिस पे आप आर्टिकल्स पे आर्टिकल लिख रहे हो, वो एक लेंथी चीज बनी हो आपकी। ये है बेसिकली हमारा मकसद, ये बेसिकली हमारा मकसद है। और ये बिल्कुल भी, शायद आप लोगों को ये काम लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी ये काम होलसेल से भी ज्यादा इजी है, बिलीव मी, अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा बस ध्यान दें, होलसेल से भी ज्यादा इजी चीज है ये। क्योंकि सीधा ये होता है, घर बैठ के सिर्फ आर्टिकल लिखने होते हैं, कंटेंट राइटिंग करनी होती है, और वो भी ये नहीं कि मतलब आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, हमने कौन सा गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना है, हमने थोड़ी ना गूगल एडसेंस के ऊपर जाना है। ये तो गूगल एडसेंस के ऊपर होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट भी उठा लिया ना, मतलब उसका आइडिया उठा लिया है, उसकी वेबसाइट से रिलेट कर रही है आपकी वेबसाइट, कुछ 1% भी रिलेट कर रही होती है, तो गूगल एडसेंस वाले कहते हैं कि भाईजान क्योंकि आपकी वेबसाइट इतनी मैच कर रही है उस बंदे की वेबसाइट से जो कि ऑलरेडी गूगल के ऊपर अवेलेबल है, तो हम आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। ये चीजें गूगल एडसेंस के ऊपर होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे अगर आप लोग किसी मल्टीपल वेबसाइट्स को देख के उनका आइडिया पिक कर लो तो कोई भी आपको बैन नहीं करेगा, जब तक आप फुल कॉपी पेस्ट ना करो। तो 100% पाकिस्तानी नहीं बनना, वो 5-6% ठीक होता है। सिर्फ आइडिया लेना आप लोगों ने, आइडिया लेके उसको उसके अंदर अपनी स्पेसिफिकेशंस ऐड करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगवानी है या लगानी है। अगर तो आप खुद ही बना रहे हैं तो वैसे मैं यही ज्यादा प्रेफर करूंगा कि खुद ही बनवा बना लें, क्योंकि उसमें आप एफर्ट अच्छी पुट करेंगे, आप थोड़ा टाइम भी पुट करेंगे, आप एक एक चीज को पहले देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी आप उसको रखेंगे, बुरी लगेगी उसको रिमूव करेंगे, फिर नई चीज ऐड करेंगे। इस मेरे मेरे ख्याल से इस तरह ज्यादा अच्छी चीज बन जाती है। मैंने आज अपने लिए स्टोर क्रिएट किया अमेजोन का, मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने किसी से करवाया नहीं, तो उसका फायदा क्या हुआ कि पहले भी मैंने एक दो पेजेस ना किए थे और वो क्लाइंट ने खुद ही किए थे, तो लेकिन वो इतने खास नहीं बने थे, लेकिन आज खुद मैंने अपनी एक प्रोडक्ट के लिए एक और स्टोर क्रिएट किया, तो अब जब खुद किया ना तब असल मजा भी आया और पता भी लगा कि आपको अगर कोई चीज नहीं पसंद आती, मतलब मैंने ऊपर टैब्स बना दिए, मटेरियल ये, ऑर्डर ये, प्लेस ये, इस तरह के टैब्स बना दिए मैंने, ठीक है जी। तो अब मुझे कोई टैब पसंद नहीं आया, मैंने उसको रिमूव किया, मुझे उसका फॉन्ट पसंद नहीं आया, मैंने रिमूव किया, मैंने उसकी नया ऐड किया, और वो ज्यादा अच्छी चीज बन गई। तो आप लोग भी इसी तरह वर्डप्रेस के ऊपर, ये क्या नाम है, खुद अगर वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये वेबसाइट आपने क्रिएट कर ली, ठीक है जी,
अच्छा अब आगे चलते हैं। एक चीज मैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं कह रहा हूँ कि वो चीज मिस ना हो मेरे से, या आप लोग उसको उसके ऊपर गौर ना करें, कि ब्लॉगिंग मेन मकसद क्या है, ब्लॉगिंग करना। कल भी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम स्टार्टिंग से ही जब प्रोडक्ट लेंगे तो लोग हमें किस तरह प्रोडक्ट देंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग में कोई भी आपको प्रोडक्ट्स नहीं देगा। कोई भी बंदा, कोई भी सेलर इंडिविजुअल ब्रांड को, इंडिविजुअल वेबसाइट होल्डर को इतनी जल्दी अपनी प्रोडक्ट नहीं दे देता। ठीक है जी, आपको वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपको किसी लेवल पे जाना पड़ता है, और वो लेवल किस तरह आएगा आपका, वो लेवल सिंपल आपका आएगा आपके आर्टिकल की वजह से। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आज आप लोगों को बताऊं कि शायद आप लोगों को मेरे से ज्यादा इस चीज का अंदाजा होगा गूगल के ऊपर, क्योंकि आप सारे गूगल के ऊपर वर्किंग करते रहे हैं, कि गूगल के ऊपर ये सिनेरियो है कि यहाँ पे ना रैंकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हम गिन नहीं सकते इतने सारे तरीके हैं। ठीक है जी, जिनमें से एक एसईओ कहा जाता है। एसईओ के अलावा बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी, तो लेकिन हमारा मेन तरीका क्या है, और जो इजी तरीका है, जो इजी भी है, और अगर उस तरीके को फॉलो करते हुए हम चलें तो क्या पता हमें आगे चल के एडसेंस की भी अप्रूवल मिल जाए। गूगल एडसेंस, गूगल के ऊपर एड्स क्रिएट करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गूगल एडसेंस का हमने वैसे टॉपिक रखा तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोगों को अंदाजा हो, शायद आप लोगों को ना हो, गूगल एडसेंस बेसिकली गूगल की ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम गूगल के ऊपर एड्स वगैरह क्रिएट कर सकें। गूगल की ट्रैफिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, अमेजोन से भी ज्यादा। ठीक है जी, तो गूगल के ऊपर जब एड चलती है वो तो फिर मतलब एक नेक्स्ट लेवल एड होती है ना। तो गूगल एडसेंस में ही होता यह है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको एडसेंस के ऊपर से ही मिल जाती हैं, आप उनकी एड क्रिएट करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट में 50% प्रॉफिट होता है, किसी प्रोडक्ट में 100% प्रॉफिट भी होता है। और बिलीव मी, बहुत सारी ऐसी लग्जरी आइटम्स होती हैं जिनकी प्राइस मोर देन $100 होती है, तो वो उनके ऊपर तो 100% ही प्रॉफिट होता है। लोग कहते हैं कि प्रॉफिट सारा आपका, बस हमारी ये प्रोडक्ट बिकवा दो। इस तरह की भी हमें प्रोडक्ट मिलती हैं गूगल एडसेंस के ऊपर। तो अगर लेट ये पॉसिबल है कि अगर आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और आपका अपना कंटेंट है और वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट किसी के साथ मैच नहीं हो रही, तो क्या पता आगे चल के जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी मैं बार बार प्रोडक्ट कह देता हूँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो, तो क्या पता आपको फ्यूचर में चल के गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए खुद ब खुद, आपको अप्लाई भी ना करना पड़े। ठीक है जी, तो ये चीज भी हो सकती है। अच्छा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो वेबसाइट्स किस तरह की होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। ब्लॉगिंग मेन मकसद है, आप लोग सबसे पहले तो आज आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने अपने गूगल की जो सेटिंग है ना उसको यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से ये पाकिस्तानी वेबसाइट्स ही आ रही हैं। ठीक है जी, तो उससे फिर आप लोगों को उधर की वेबसाइट्स वगैरह मिलेंगी, और उधर उन उनकी वेबसाइट्स को देख के आपको ज्यादा अच्छा पता लग जाएगा कि आपने किस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करनी है। आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं और मेरे से भी मैं भी आपको बता दूंगा कि ये वेबसाइट आपके लिए ज्यादा अच्छी है और ये वेबसाइट आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी, फिर उधर से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो वेबसाइट के बाद अच्छा हमारी अब टॉपिक की तरफ आ रहे हैं हम लोग, के वेबसाइट क्रिएट हो गई, वेबसाइट के ऊपर हमने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया हुआ है, आर्टिकल लिखना हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल एक चीज के ऊपर वर्किंग की है कि हमने अपनी पसंदीदा नीश में हमने वेबसाइट लॉन्च की है। मेरी पसंदीदा नीश लेट्स सपोज है मोटर बाइक्स है, मैंने उसके ऊपर क्या नाम है उसके मोटर बाइक्स के मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स, उसके लेदर जैकेट्स, ग्लव्स, बूट्स वगैरह, उनके नए नए मॉडल्स वगैरह के ऊपर मैंने वेबसाइट क्रिएट की है। और ऑटोमोटिव बहुत चल रही है लेट्स सपोज अमेजोन के ऊपर, वैसे ऑटोमोटिव के ऊपर इतना प्रॉफिट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ऑटोमोटिव बहुत चल रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 8% है, लेट्स सपोज ऐसे है नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन 8% के करीब है। और मैंने कहा ठीक है जी, अब उसके ऊपर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, तकरीबन मुझे 2 दिन हो गए, मैं एक आर्टिकल लिख के मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिया हुआ है, और मैंने अपनी वेलोसिटी क्या रखनी है, मैंने हर दूसरे दिन एक आर्टिकल मस्ट उसके ऊपर चढ़ाना है। ठीक है जी,
मैं उस आर्टिकल चढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं उस अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करूंगा? दो तरीके हैं जी, एसईओ के दो तरीके हैं, एक है ऑन साइट एसईओ और एक है ऑफ साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ आपकी वेबसाइट के ऊपर ही होगी, ठीक है जी, कीवर्ड्स का यूज करते हुए, ठीक है जी, उसमें ट्रैफिक का भी एक आ जाता है। और ऑफ साइट एसईओ, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। हम लोग स्टार्टिंग से हर जो चीज़ देखते हैं, या मैं यही बताता रहा हूँ कि नहीं, इसको आपस में मर्ज नहीं करना है, इसको आप लोगों ने डिफरेंट रखना है, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये आपस में मर्ज होती हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ऑफ साइट एसईओ हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट से बाहर गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर हम लोग टारगेट करते हैं ऑलरेडी रैंक वेबसाइट्स के ऊपर, उन वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग बैकलिंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनमें कमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है जी, इस तरह की सारी चीज़ें। लेट्स सपोज मेरी हेडफोन्स ही नीश है, मैंने आर्टिकल वगैरह लिख लिए हुए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब उस आर्टिकल के बैकलिंक्स वगैरह जनरेट किए मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि अब उन बैकलिंक्स को मैं आगे प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले तो बैकलिंक्स वगैरह किस तरह मैंने आगे प्रोवाइड करने हैं, बैकलिंक्स मैंने किस तरह आगे प्रोवाइड करने हैं। मेरे पास 2 से 3 वेबसाइट्स हैं बैकलिंक्स वगैरह परचेज करने की, क्योंकि ये परचेज ही किए जा सकते हैं, ठीक है जी। एक है हमारे पास getbacklinks.net, ये वेबसाइट है, आप इसे पैकेजेस ले सकते हैं, और उन पैकेजेस का यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट ही होती है बेसिकली, आपने वेबसाइट के लिए करना होता है, आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स इजीली जनरेट करवा सकते हैं। ये $49 वाला भी है और $19.99 वाला भी है, ठीक है जी। स्मॉल ब्लॉग कर रहे हैं, अगर आप नीश रिलेटेड, स्मॉल ब्लॉग्स का मतलब है नीश रिलेटेड, पर्सनल वेबसाइट है आपकी ऑब्वियसली, अगर आप लोगों ने सिर्फ ब्लॉग का देना है, अगर आपने एक ब्लॉग लिखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और आपने उस ब्लॉग का लिंक आगे देना है, तो तब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है जी। अगर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करना है, तब आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब अगर आपने, आपकी बिजनेस वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट का मतलब अथॉरिटी वेबसाइट, अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल नीशेज होती हैं, नीश वेबसाइट के अंदर एक ही कैटेगरी होती है और उसके आगे उसकी सब कैटेगरीज, अथॉरिटी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, उनके आगे उनकी सब कैटेगरीज, ठीक है जी। अथॉरिटी वेबसाइट बड़ी होती है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें टीम चाहिए होती है बेसिकली, आप अकेले अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें एक टीम वगैरह चाहिए होती है, ठीक है जी। तो अथॉरिटी वेबसाइट को मैं अभी के लिए इतना प्रमोट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप लोग कहें कि आपने एक या दो वेबसाइट्स को लॉन्च करके उनके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट करवा ली हुई है, तब आप, मैं आपको कह सकता हूँ कि अब आप अथॉरिटी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपकी मर्जी, 49, मेरे ख्याल से तो ये 49 वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने ब्लॉग्स का लिंक नहीं प्रोवाइड करना, हमने उनके साथ अपने वेबसाइट का भी बैकलिंक प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ इसको परचेज करके, इस पैकेज को परचेज करके मैंने अपने ब्लॉग्स के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट कर लिया। बैकलिंक ये नहीं होता कि जिस तरह ये वाला लिंक आ गया आपका, नहीं, बैकलिंक होता है एक क्लिकेबल सेंटेंस, एक क्लिकेबल सेंटेंस, जिस तरह ये कहें ना, ये क्लिकेबल है, ये चीज ऊपर जो लिंक, ऊपर जो टाइटल वगैरह होता है वो क्लिकेबल क्लिकेबल होता है, तो जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं वो भी इसी तरह के क्लिकेबल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने बैकलिंक्स वगैरह जनरेट कर लिया, अपने एक ब्लॉग का जनरेट कर लिया। करने कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं, होता ये है कि आप लोग अपने ब्लॉग की एक लाइन उठाते हैं, मेन लाइन, जो उसकी फर्स्ट लाइन कह लें आप, और उसको यहाँ पे जो आपका टूल होता है ये गेट बैकलिंक डॉट नेट वाले में आके आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी, आप उस पर लाके पेस्ट कर देंगे और जनरेट लिंक कर देंगे आप। जब आप जनरेट लिंक करेंगे ना, तो वही जो लाइन होगी, जो छोटा वो सेंटेक्स होगा, वो आपका एक लिंक बन जाएगा, वो एक क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। लेट्स सपोज मैंने अपने वेबसाइट के स्टार्ट में लिखा हुआ है, क्या नाम है, ओग्जो वर्सेस स्पेक्ट्रम 2019 बेस्ट हेडफोन सेट्स आर अवेलेबल ऑन, ये इस तरह के मैंने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मेरी मेरी फर्स्ट लाइन क्या है, ओग्जो वर्सेस स्पेक्ट्रम 2019 बेस्ट हेडफोन सेट, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाकर पेस्ट किया अपने पैकेज के ऊपर, मैंने कहा कि जनरेट लिंक, और तो वो मेरी लाइन एक ब्लू कलर में हो जाएगी जो कि क्लिकेबल होगी, तो उस वो मेरी बन जाएगी ब्लॉग की लाइन। उसी तरह मैं अपने अपनी जो वेबसाइट का लिंक है उसको भी मैं ना क्या नाम है,
इसी पैकेज के अंदर प्लेस करूंगा, उसका भी लिंक मैं जनरेट लिंक करवाऊंगा, तो वो भी एक क्लिकेबल नेम बन जाएगा, मेरी वेबसाइट का नेम होगा वो एक क्लिकेबल नेम बन जाएगा, ना कि .com .net वगैरह इस तरह का, ठीक है जी। तो अच्छा, मेरे पास अब दो लिंक आ गए, एक मेरी वेबसाइट का आ गया, एक मेरा ब्लॉग्स का आ गया। अब मैंने क्या करना है उन लिंक्स का यूज करते हुए, अब मैंने उन लिंक्स का यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करनी है। अब मेरी वेबसाइट है लास्ट पेज के ऊपर, मैं किस तरह ट्रैफिक जनरेट करूंगा, मैं अपने मेन कीवर्ड के ऊपर जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है टॉप 5 वाले, उन कीवर्ड्स के ऊपर बारी बारी आऊंगा और उन कीवर्ड्स के ऊपर देखूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक है। अब उन वेबसाइट्स के ऊपर मैं आया, अब उन वेबसाइट्स में मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि ये सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, और एक बंदा है जो कि जो ऑब्वियसली जब आप देख रहे होंगे वो यूएसए की वेबसाइट देख रहे होंगे, तो उनके ब्लॉग्स में जाएंगे आप या उनके आर्टिकल्स वगैरह में जाएंगे, तो उनके आर्टिकल्स आप देखना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये एक उसने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपने वो आर्टिकल क्लिक किया है और आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है जी। आप आर्टिकल पढ़ते गए नीचे उसने आपको ना रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे उसने आपको अपने आर्टिकल के लिए रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने रिव्यू कर देना और नीचे कमेंट, एक उसके आर्टिकल को पढ़ा ही होगा आपने, आपने कमेंट डाल देना कि आपका ये आर्टिकल मैंने इस तरह पढ़ा, मेरे ख्याल से इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए, और मैंने इस ब्लॉग में ब्लॉग का लिंक ऑक्सो वर्सेस स्पेक्ट्रम 2019 बेस्ट हेडफोन्स, ये मेरा ब्लॉग का लिंक आ गया जो कि क्लिकेबल है, इस ब्लॉग में मैंने ये पढ़ा था जो कि इस वेबसाइट का है, आगे मेरी वेबसाइट का लिंक आ गया। और फिर आगे ये चीज मैं बड़ा ध्यान से करूंगा ताकि किसी और को पता ना लगे कि मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लंबी चौड़ी 10-15 तकरीबन कोई 10-15 लाइन ही होती है कमेंट की, आप ज्यादा 3 लिखते हैं, 2-3 लाइनों में मैं अपना सबसे पहले कमेंट रखूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ आपके आर्टिकल के बारे में, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इस आर्टिकल इस ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग का लिंक पढ़ा है जो कि इस वेबसाइट का है, और इधर ये चीज बताई गई है कि ऑक्सो ज्यादा अच्छी चीज है, स्पेक्ट्रम के अंदर ये खामियां हैं, ये चीज है, ये उसकी रैम है, ये उसकी स्टोरेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो लोग जब आएंगे उस ब्लॉग के ऊपर, लोग ब्लॉग पढ़ते हैं, लोग बहुत शौक से ब्लॉग पढ़ते हैं, लोग जब उस ब्लॉग के ऊपर आएंगे लोग कहेंगे अच्छा ब्लॉग तो पढ़ लिया, देखेंगे जो कमेंट कैसे हैं, लोग कमेंट देखेंगे, आपका कमेंट उन्हें नजर आएगा, आपका कमेंट में वो पढ़ेंगे तो उनको नजर आएगा कि ये इस बंदे ने एक लिंक दिया, वो लिंक क्लिक करके कुछ लोग आपके ब्लॉग के ऊपर जाएंगे और कुछ लोग डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जो ब्लॉग के ऊपर जाएंगे वो भी इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर ही आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो अब वो आगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, अब वो लोग कहाँ आगे, वो लोग आगे आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, एक तो वो ब्लॉग है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, जो ऑलरेडी आपने, वो लोग उनको पढ़ेंगे और उसमें से मैक्सिमम 1% लोग, ये चीज कहते हुए बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है लेकिन बहुत बहुत हाई रेंज है, 1% भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, 0.7 भी कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बात है, इतने होते नहीं है, ठीक है जी, कहीं भी नहीं होते, ये ना समझे कि सिर्फ ब्लॉगिंग में नहीं होते, ये कहीं भी नहीं होते हैं, आप SEO भी करवा लेंगे तब भी इतने कन्वर्ट नहीं होते हैं, 1% मैक्सिमम रेंज होती है गूगल के ऊपर, तो उसमें से मैक्सिमम कोई 1% बंदा बहुत ही खुश नसीबी होगी हमारी तो कन्वर्ट होगा, वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है जी। इस तरह करते करते बैकलिंक्स, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर हम बैकलिंक्स देते रहेंगे डेली बेसिस पे, एक या दो वेबसाइट के ऊपर हमें बैकलिंक देना लाजमी है ताकि उधर की ट्रैफिक हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। उस तरह फिर हम, अब हमारी वेबसाइट है, हमें पता है कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है डेली बेसिस पे, कितने लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर एक्टिविटी वगैरह हो रही है, हम डेली बेसिस पे उसके ऊपर आर्टिकल भी लिख रहे हैं, उसकी ट्रैफिक भी चेक कर रहे हैं, और अब हमने कहा है कि अब हमारी जो ट्रैफिक है वो पहुंच गई हुई है कोई लेट्स बोल 5,000 10,000 व्यूअर्स के ऊपर, ठीक है जी, और वो हमारी वेबसाइट को क्या नाम है सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे आर्टिकल्स को, हमारे ब्लॉग्स को लाइक भी कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने बायर के पास, मैंने किसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, ओग्जो वर्सेस स्पेक्ट्रम के ऊपर, और उसके अंदर मैंने ओग्जो को मैंने कहा था ये अच्छी चीज है, मैं ओग्जो वालों के पास जाऊंगा, मैंने ओग्जो वालों को कहूंगा कि ये देखें जी ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा आर्टिकल है, मैंने इस आर्टिकल में मैंने आपकी तारीफ की है
और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। मेरी वेबसाइट के ऊपर 10,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि आप मुझे अपनी सारी प्रोडक्ट्स उठा के दे दें, मैं आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा, लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसमें से जो परसेंटेज ऑब्वियसली फिक्स परसेंटेज है प्रॉफिट की वो मैं ले लूंगा। ठीक है जी। अब ऑक्सो वाले खुद होलसेल डीलर ड्रॉप शिपर हैं, वो कहते हैं ठीक है जी पकड़े इन्वेंट्री, पकड़े हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आप इसको वहां पे लाके सेल करें, मैं यहाँ पे लाके थोड़ी प्राइस इंक्रीज कर दूंगा और उसको सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाए। लो जी, लोग परचेज भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर सेलिंग होना स्टार्ट हो गई हुई है। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक था बेसिकली सेलिंग का हमारा जो कहानी है हमारी। ठीक है जी। वेबसाइट के ऊपर आगे, वेबसाइट के ऊपर लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी है हमारी। अच्छा जी, चलते 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 ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, डेली बेसिस पे न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, और तकरीबन हमारे कन्वर्जन रेट 0.8-0.9% हमारा कन्वर्जन रेट है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा लेट्स सपोज 7% के करीब है। ठीक है, हम लोग हमारी अर्निंग अब हो, हमारी वेबसाइट ऐसा ऐसा रैंक होना स्टार्ट हो गई है, हम लोग लास्ट पेज से उठ के हम लोग 10वें पे आ गए, 10वें से उठ के फिर हम आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक तो चीज ये होगी कि हमने आउटसाइड, हम लोगों ने ऑफ साइड SEO करने हैं, हमने ये बैकलिंक्स वगैरह के थ्रू, क्योंकि ऑफ साइड SEO हमारा करता ही रोटेट ये बैकलिंक्स के ऊपर है, इसके अलावा और कहीं नहीं करता। ऑन साइट SEO हमारा क्या होगा कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर रहते हुए हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक वगैरह करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं जरा। अच्छा जी, ऑन साइट SEO हमारा इस तरह होगा कि हम लोग अपने ब्लॉग्स के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, हमने कोई लिस्टिंग तो क्रिएट नहीं की है, जिस लिस्टिंग में हमारे टाइटल होगा उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह होंगे, ये सब कुछ हमने सिंपल ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं, उन्हीं ब्लॉग्स में हम लोग कीवर्ड्स एंटर करेंगे। अब कीवर्ड किस तरह एंटर करेंगे, कीवर्ड की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करनी, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट है। कीवर्ड की स्ट्रैटेजी होगी हमारी इस तरह की कि हम लोग सिंपल कीवर्ड ही नहीं डालेंगे कि गेमिंग हेडफोन्स 2020, ये नहीं, बेस्ट ऑफ, एक तो बेस्ट ऑफ इस तरह के कीवर्ड आएंगे हमारे। ठीक है जी, बाय नाउ इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है जी, वर्सेस कंपैरिजन वाले कीवर्ड आएंगे। अब वो कीवर्ड हम लोग अपने टाइटल में, अपने अपने ब्लॉगिंग के टाइटल में, ब्लॉगिंग के कंटेंट के अंदर इन जगहों पे जरूर ऐड करेंगे, ताकि जब लोग हमारी उस आर्टिकल के ऊपर आके उसको लाइक करें तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बन जाए गूगल का, कि वो हमारे आर्टिकल में जाके कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करे और देखे कि हमारी वेबसाइट किस कीवर्ड के अक्रॉस रैंक करनी चाहिए, फिर उन कीवर्ड्स के अक्रॉस हमारी वेबसाइट ऐसा ऐसा रैंक होना स्टार्ट होगी। ये होगी हमारी ऑन साइट SEO। इसके अलावा और बहुत सारे टूल हैं जो कि वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी को बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं मुझे मिला है, तो मैं तो इस चीज के लिए किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ यही चीज रेकमेंड कर रहा हूँ कि खुद ही हम लोग ना यही ऑफसाइट SEO का यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोग समझे कि नहीं कोई भी नहीं कर रहा और हम लोग पहले होंगे जो जी काम कर रहे हैं, नहीं हम लोग पहले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कर ही इसी तरह रहे हैं। लोग अब दूसरे लोगों को 9-9, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार देने से अच्छा कहते हैं कि हम लोग खुद ही अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑफ साइट SEO करने। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ आपके आर्टिकल्स के अंदर कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं, वही काम आप खुद कर लें, वही काम आप खुद कर लें। तो जब कीवर्ड्स एंटर होंगे तो खुद ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और चीज, रिस्पॉन्स टाइम, आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कि अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ऊपर सर्च करता है, मतलब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है Ahrefs, तो कितने सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड होती है, ये देख रहे हैं, ये जैसा ये 0.57 सेकेंड्स में लोड हुई है, तो अगर तो आपकी वेबसाइट मोर देन 3 सेकेंड का टाइम लगाती है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट टॉप पोजीशन पे नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगाती है लोड होने में, तो वो कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं आ सकती। तो आप लोगों ने इस चीज को भी वेरीफाई करना है कि आपकी वेबसाइट लोड होने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे। उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपने अपनी बेसिकली ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर का ही काम होता है, वो बैकएंड पे कोई ऑप्टिमाइजेशन होती है कि वो ना
उसका रिस्पांस टाइम को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वर वगैरह होता है, उसको स्पीड अप करता है ताकि आपकी वेबसाइट का रिस्पांस टाइम बड़ा स्पीड अप हो सके। ठीक है, तो अपने वेबसाइट का रिस्पांस टाइम हम लोगों ने डेली बेसिस पे चेक करना है कि वो कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो कम होगा तो फिर हमारी रैंकिंग कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं आ सकती। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने देखी, एक हमारी थी ऑन साइट SEO और एक थी हमारी ऑफ साइट SEO। एक ये तो दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी ना, ये होती क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए होती क्या है। उसके अलावा वेबसाइट के अच्छी वेबसाइट किस तरह की होती है, बुरी वेबसाइट किस तरह की होती है, बैकलिंक्स, पिक्सल फाइव, अच्छा पिक्सल फाइव भी एक वेबसाइट है। बेसिकली पिक्सल फाइव का मोस्टली यूज हम लोग अमेजोन के लिए करेंगे। आगे चल के हम लोग वापस आएंगे पीएल में, तो पीएल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग फेसबुक एड्स क्रिएट कर रहे होंगे और मैनी चैट का यूज कर रहे होंगे, तो फेसबुक और मैनी चैट के अंदर अब ये देखे ना, ब्लॉग ये क्या चीज़ है, ये एक बेसिकली US की वेबसाइट है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि US में तो लोग ब्लॉग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस तरह की वेबसाइट बेसिकली आपने भी अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का एक टैब बनाना है जिसका आपने A to Z ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह लिखे होंगे। ठीक है जी, अब ये पिक्सल फाइव वगैरह भी जो बेसिकली एक इंडिविजुअल ही होगा, मोस्ट लाइकली ये कोई इंडिविजुअल ही होगा जिसने ये वेबसाइट लॉन्च की होगी। बहुत रेयर चीज़ है कि कोई बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा जी, पिक्सल फाइव का होपफुली मैं ब्लॉग दिखा रहा था आप लोगों को, कि पिक्सल फाइव आप लोग खुद भी सर्च करें, मैं कहता हूँ अभी से सर्च करके रख लें, क्योंकि पीएल में हम आगे हमें इसे थोड़ा बहुत यूज़ पड़ेगा कि जब हम लोग पीएल करेंगे ना, वापस जाएंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1-2 वीक में हम लोग वापस जा रहे हैं पीएल के ऊपर, तो सबसे पहले जाके हम लोग फेसबुक ऐड देखेंगे, और फेसबुक ऐड में सुपर यूआरएल देने होते हैं। सुपर यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जिसमें हमारे पास कीवर्ड होते हैं, जिस यूआरएल के अंदर कीवर्ड्स ऐड होते हैं, तो बायर जब भी उस यूआरएल को क्लिक करता है तो बेसिकली अमेजोन को क्या पता लगता है कि वो बायर एक कीवर्ड टाइप करके आया है, ना कि किसी लिंक को क्लिक करके आया है। अगर तो लिंक को क्लिक करके बायर आता है तो अमेजोन को शक होता है, तो अगर सुपर यूआरएल के थ्रू बायर जाता है तो बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अमेजोन को लगता है कि कोई ऑर्गेनिक बायर किसी कीवर्ड को टाइप करके आया है अमेजोन के ऊपर। ठीक है जी, तो इसका हम लोग यूज देखेंगे, ये हमारे पास सुपर यूआरएल के तौर पर भी यूज होता है, ट्रैकर के तौर पर भी यूज करेंगे हम लोग इसे। ठीक है जी, और बैक लिंक अपनी क्या नाम है पर्सनल वेबसाइट्स के लिए भी आप लोग इससे बैक लिंक जनरेट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज भी, कल ना एक आप में से कोई बता रहा था कि वो गूगल ads.google.com वाले भी वो कर रहे हैं जी, तो मैंने चेक किया था जी, बिल्कुल आप ads.google.com के ऊपर से भी ना ये काम कर सकते हैं, आप उधर से भी ये बैक लिंक्स वगैरह जनरेट करवा रहे हैं। वैसे मुझे अभी तक वो उनका ऑप्शन नजर आया नहीं, तो अगर आप में से जो भी थे उनको वो नजर आए ना, तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोगों ने बैकलिंक्स जनरेट करने हैं, जो कि आप लोगों ने अपनी अपनी नहीं सॉरी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप लोगों ने आगे बहुत ही ध्यान के साथ प्रोवाइड करने, ताकि लोगों को ये पता ना लगे कि आप लोग यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने आए थे। लोगों को यही लगना चाहिए कि आप कोई बायर थे जिन्होंने आपके आर्टिकल के नीचे कोई कमेंट किया है, और उसने बस सिर्फ किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया है, मतलब कि उसने किसी दूसरी वेबसाइट से पढ़ा होगा तो इसने इधर उधर दे दिया होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों ने जरा ध्यान में रखनी है। और ये आप किस तरह करेंगे कि आप लोगों की वो ईमेल जो आपने वेबसाइट को क्रिएट करने में यूज़ की है, उसी ईमेल का यूज़ करते हुए आप लोगों ने कभी भी किसी वेबसाइट के ऊपर कमेंट नहीं करना है, इस तरह आप पकड़े जाएंगे। आपने हमेशा दूसरे IP के साथ, दूसरे लैपटॉप के साथ, दूसरी ईमेल के साथ हमेशा किसी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करना है और अपनी वेबसाइट का URL देना है। ठीक है जी, इससे आप पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली लोग अच्छा नहीं समझते हैं इसी, तो इलीगल तो नहीं है, लेकिन आप अपनी ही प्रमोशन कर रहे हैं किसी और की वेबसाइट के ऊपर, तो वो बेसिकली लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। अच्छा जी, क्वेश्चन अभी तक है किसी का तो वो पूछ ले मेरे से। अच्छा, स्टोर का एक क्वेश्चन आया था, स्टोर क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी होलसेल सेलर हैं अमेजोन के ऊपर, या जितने भी बहुत सारे प्राइवेट लेबल सेलर्स भी हैं, उनका एक स्टोर होता है अमेजोन के ऊपर।
जिस तरह द्रास के ऊपर स्टोर होता है, जिस तरह शॉपिफाई के ऊपर स्टोर होता है ना, उसी तरह ये अमेजोन के ऊपर भी ना सेलर्स ने अपने स्टोर क्रिएट किए होते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। एक ऐसा स्टोर, ये देखे ना, जूबर, मतलब उनका एक स्टोर होता है जिसके अंदर उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने स्टोर नहीं क्रिएट किया होता, या बिस सेलर का, जूबर वालों ने ही अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर उनकी सारी नीशेज आ रही हैं, सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, अगर स्टोर हो तो फॉलो कर सकते हैं, ब्रांड को फॉलो नहीं कर सकते आप। तो जो इंडिविजुअल लोग होते हैं उन्होंने बेसिकली अपनी ब्रांड वगैरह प्रोवाइड किया होता है, तो ब्रांड के ऊपर इस तरह का स्टोर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ब्रांड ये स्टोर नहीं होता। स्टोर आप अपने सेलर सेंट्रल से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ब्रांड का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जी हमदा सिर्फ सर ऑन साइट एसईओ का बता दें दोबारा। ऑन साइट एसईओ। अच्छा जी जी, सर उसकी समझ नहीं से लगी। अच्छा, ऑन साइट एसईओ बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, ना के बाहर जाना, अपनी वेबसाइट से बाहर नहीं जाना। मतलब कि आपने, जिस तरह आप कहते हैं ना कि अमेजोन के पर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर लोग जब आपकी लिस्टिंग को क्लिक करते हैं तो फिर उसकी रैंकिंग होती है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहीं पे है कि आप अपनी ही वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक नहीं लेके आते, आप सिर्फ अपनी ही वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते हैं, और उन कीवर्ड्स के अक्रॉस आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है जी, एक वेलोसिटी इंक्रीज कर लेते हैं, और अपनी अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है वेबसाइट का वो less than 1% कर देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इस तरह वेबसाइट के ऊपर रहते हुए आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, और वो एक रैंक में आ जाती है। इस चीज को कहते हैं ऑन साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ ये होता है कि आप दूसरों की वेबसाइट से ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यानी सर हम बेसिकली कीवर्ड्स को रैंक कर रहे होते हैं ऑन साइट एसईओ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। पीएल में तो अमेज़ॉन पे तो ये था ना कि कीवर्ड को रैंक करने के लिए हम कंपेन चलाते थे, यहाँ पे हम कंपेन नहीं चलाएंगे, यहाँ पे रैंक करने के लिए हम लगातार आर्टिकल्स लिखेंगे। नहीं सर ये इसी तरह ही होता है ना कि एक लाइन लिखी हुई है कि दिस इज अ वेरी गुड गुड क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल आगे ब्लू में लिखा होता है वो उसको क्लिक कर देते हैं तो वो अल्टीमेटली उस ब्लॉग पे ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक पहुंचे हैं भाई, आप ठीक पहुंचे। मुझे मुझे इसी चीज का डर लग रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे समझेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि होता यही है कि लेट्स सपोज क्रिकेट बॉल, वेरी गुड क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल होता है वो एक लिंक होता है, लोग उसको क्लिक करते हैं, वो किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी वेबसाइट के ब्लॉग का लिंक होता है। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, बिल्कुल आप ठीक जी सर। पहुंचे अच्छा हैं। सर एक एक जनरल क्वेश्चन है सर, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं हम सपोज यूके के अंदर, और मैं पाकिस्तान से बैठ के मैंने यूके में अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, तो उसके ऊपर मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने यूके की किसी सेलर की प्रोडक्ट उस पर लॉन्च करनी है। अब सर मैं कह रहा हूँ मैंने यूके में अपनी वेबसाइट लॉन्च की है और उस पर पाकिस्तान में बैठ के मैं लॉन्च की हुई है, तो सेलर मेरा जो है ना उसकी प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दी है। अब मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आ गया है यूके से किसी बंदे का, तो मैं उस ऑर्डर को कैसे डिलीवर करूंगा? आप बेसिकली आप क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्डर है ना, उसका एड्रेस वगैरह भी आपको मिला होगा कि जिस बंदे ने आपको ऑर्डर प्लेस किया ना, आपको वैसे चाहिए ये था कि जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करे आप उसे उसका एड्रेस मांगे, आप उसे उसका ऑर्डर आईडी नंबर वगैरह उसको दें, असाइन करें, एड्रेस वगैरह उसका सारा ले, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एड्रेस, पोस्टल कोड वगैरह, ये सारी चीजें। और वो एड्रेस आपने क्या करना था, आपने अपने मेन पीछे वाले सप्लायर को देना था जो कि सेलर है, वो बंदा एक कोरियर कंपनी को कहेगा कि इस एड्रेस के ऊपर ये ऑर्डर पहुंचा दो, इस तरह फुलफिल होता है, सिंपल। ये तो बड़ा वो टाइम टेकिंग सा प्रोसीजर हो जाएगा आपकी डिलीवरी का। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, आपको सबसे पहले यही तो है, यही तो वजह है कि हम लोग कम से कम 7 दिन का टाइम मांगते हैं ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। सही हो गया सर। पाकिस्तान में भी यही टाइम चल रहा है, पाकिस्तान में तो इससे भी ज्यादा। हाँ, मुझे याद है कि मैंने जब ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मुझे तकरीबन 6 दिन लगे थे, वही नॉर्मल चीज। आप भी फिर 6 to 7 days का इंटरवल या डिले रख लिया करें कि इतने टाइम के अंदर हम ऑर्डर करेंगे।
अगर उसके पास इन्वेंट्री खत्म हुई हुई है, उसके पास अमेजोन जो कि इन्वेंट्री नहीं है, हाँ तो फिर आप भी अपने बायर को कह दें कि आप ये रिफंड ले लें क्योंकि हम लोग अब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, इसका फिर यही सलूशन है। सर इस पे हमारी वेबसाइट पे तो रिव्यूज नहीं ना आते, या जिस तरह हमारे रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं, अगर किसी बिल्कुल बंदे को करते हैं, हमारी आते हैं और भी आते हैं, आपकी ही वेबसाइट पे आएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं ना कर रहे कि वो बंदा जैसे ही आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करे वो अमेजोन के ऊपर चला जाए, नहीं, अगर तो वो अमेजोन के ऊपर चला जाएगा तो फिर तो अमेजोन के ऊपर रिव्यू आएगा और उस सेलर की लिस्टिंग पे रिव्यू आएगा, लेकिन अगर वो आपकी ही वेबसाइट के ऊपर रह के ऑर्डर प्लेस करता है तो फिर रिव्यू आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। सर बेहतर क्या होता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ऑर्डर लिया जाए कि उसको उसके साथ लिंक कर दिया जाए मैं तो अमेजोन के इसी साथ? चीज को बेहतर समझता हूँ, मैं यही इसी चीज को बेहतर समझता हूँ, होता यही है, 90% यही हो रहा है कि अपनी ही वेबसाइट के ऊपर लोग ऑर्डर जनरेट कराते हैं, इससे इससे ना आपकी ट्रैफिक और आपके सेलर की ट्रैफिक डिफरेंट रहती है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अभी आपने कहा कि हम लोग ऑर्डर जनरेट करवाते हैं वेबसाइट पे और सेलर से कम्युनिकेट करते हैं, तो सर इसमें अमेजोन का तो कोई किरदार नहीं है बीच में, फिर हम अमेजोन के क्यों लेके आते हैं कि बीच में ड्रॉप शिपिंग के लिए और ये वो? प्रोडक्ट अमेजोन की है ना, प्रोडक्ट अमेजोन की है, प्रोडक्ट अमेजोन सर की, हम लोग प्रोडक्ट तो बाएंगे सेलर क्या? की होगी ना, वो जो सेलर या मैन्युफैक्चरर जो उसे, उसने लिस्ट कहाँ पे की होगी? उसने लिस्ट कहाँ पे की होगी? अमेजोन के ऊपर लिस्ट की होगी उसने, ठीक है जी। अब अमेजोन एक नाम है और अमेजोन हर लोकल बॉडी सेलर को अलाउ करता है कि वो अपनी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर ये अमेजोन का लोगो और अमेजोन का नाम यूज कर सकता है, ठीक है जी। अब हम लोग अमेजोन का नेम यूज कर रहे हैं, अब जो भी बायर हमारी लिस्टिंग पे आता है उसको चाहिए एक अथेंटिक वेबसाइट, खास करके अंग्रेजों को। अब अगर हम लोग अपनी इंडिविजुअल नेम के ऊपर हम लोग कहेंगे कि ये हमारी वेबसाइट की प्रोडक्ट है तो हमें ऑर्डर नहीं आएंगे इतने, लेकिन हम लोग अगर कहेंगे कि हम रेफर कर रहे हैं कि ये अमेजोन की प्रोडक्ट आपको परचेज करें, तो उससे एक तो ऑथेंटिसिटी लेवल बढ़ेगा और दूसरा कि क्योंकि वो सेलर है ही अमेजोन का, क्योंकि वो सेलर है ही अमेजोन का, उसकी अपनी भी प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, इस वजह से हम लोग अमेजोन का नाम यूज करते हैं ताकि हमारे लिए एक अथेंटिसिटी लेवल इंक्रीज हो जाए, और क्योंकि उस सेलर की भी यही डिमांड है कि मैं अमेजोन को ये चीज शो करा सकूं कि भाईजान मैं अमेजोन के ऊपर ही नहीं बल्कि अपनी लोकल बॉडी वेबसाइट के ऊपर भी सेलिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा रैंक इंक्रीज हो। अब यहाँ पे होगा ये कि आपका जो सेलर है ना वो FBA भी कर रहा होना है और FBM भी कर रहा होना है, ठीक है। तो जब वो उसको जो ऑर्डर फुलफिल करता है ना, बुला क्या करता है, वो उसी एड्रेस के ऊपर अपनी ही इन्वेंट्री का यूज करते हुए ऑर्डर फुलफिल कर देता है और वो FBM की लिस्टिंग से एक ऑर्डर को कम कर देता है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट कनेक्शन अमेजोन के साथ बन जाता है, इस वजह से हम लोग अमेजोन का लोगो यूज करते हैं। और एक चीज और कि जब हम लोग प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमने अमेजोन की ही लिस्टिंग को उठा के यहाँ पे लिस्ट करना होता है, ना कि हम लोग सबसे पहले उसकी अलहदा अलहदा लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ये उसका टाइटल वगैरह नहीं, हम उसकी अमेजोन की ही लिस्टिंग को उठा के यहाँ पे लिस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर अमेजोन की लिस्टिंग को उठा के यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अमेजोन का तो लोगो आएगा ही आएगा, अमेजोन का नाम अटैच होगा। सर इसके लिए कोई API या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिससे हम अमेज़न की लिस्टिंग को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे ले आते हैं अपनी वेबसाइट पे? बिल्कुल, ये वर्डप्रेस में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप लिस्टिंग्स अगर एक जगह अवेलेबल है आप उसी लिस्टिंग को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, तो सर अवेलेबल नहीं है? क्या अमेज़न ने ऐसी API नहीं बनाई हुई कि हम अपनी ही वेबसाइट पे रहते हुए अमेज़न का ऑर्डर जनरेट करवा दें FBA का? बिल्कुल नहीं, अब अमेजोन का ऑर्डर जनरेट करवा दें ये चीज मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है अभी तक। आपको या तो और आप ऑर्डर किस तरह जनरेट कराएंगे, या तो आप अपनी ही वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर जनरेट कराएंगे और ऑर्डर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, या आप उधर लिंक दे देंगे अमेजोन का, कि क्योंकि यही हो सकता है, या तो आप उधर लिस्टिंग ही अपनी सर क्रिएट कर लें या अमेजोन की लिस्टिंग के लिंक और उसके लोगो वगैरह प्रोवाइड कर दें, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने लिस्टिंग के लिंक्स वगैरह दिए होंगे तो वो सीधा जाएगा अमेजोन के ऊपर, अगर आपने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उसको लिस्ट कराया हुआ तो फिर ऑर्डर आपके पास ही रहेगा, ठीक है सर, थैंक यू। ये चीज यानी भी हो सर सकती हम है। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए ऑर्डर प्लेस करें, वो लिंक होते हैं, टोटल लिस्टिंग नहीं आ सकती इधर। अमेजोन का सर ऐड टू कार्ट वाला लिंक हम बैक लिंक जनरेट करके उसका अपनी वेबसाइट के ऐड टू कार्ट वाले लिंक में डाल दें। बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
जी किसी और ने, अच्छा ये एक चैट में क्वेश्चन पूछा था किसी ने, सर हमने जिन प्रोडक्ट्स को एफिलिएट मार्केटिंग में प्रमोट करना है उनका क्राइटेरिया एक बार दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा क्राइटेरिया कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, बेसिकली आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शौक किस नीश के अंदर है, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा बहुत नहीं, ये चीज़ आपने जरूर रखनी है कि उसका जो AHREF का सर्च वॉल्यूम हो टॉप 5 कीवर्ड्स का वो more than 80,000 हो, more than 80,000 हो, ठीक है जी। ये चीज है। और बेसिकली उसके ऊपर आपने, अच्छा ये भी हो गया, मैंने ये भी बता दिया। हाँ उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो 5% से ज्यादा हो, उस नीश में जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो 5% से ज्यादा हो। तो मैं, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं कि नमाज की ब्रेक करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस किस नीश में हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन हमें जनरेट हो जाता है। तो एक दफा अमेजोन के ऊपर आके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। फिर आपने वो प्रॉफिट चार्ट भी देना था। हाँ वो मैं बना के दे दूं या इसी तरह बता दूं आपको, सर बना के दे दें सर वो। पहले मैं फिर ना बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो फिर आप लोगों पर सेव भी रहेगा। सर कैन यू सर आप मेक वेबसाइट फॉर सॉफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक विंडोज एंटीवायरस? ये बेसिकली आप वेबसाइट जनरेट कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप कौन सी प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करेंगे ये भी फिर सोचने वाली बात है। ये जैसे अभी कैन विंडोज 10 की हो रही है, मतलब अभी मैं अमेजोन पे ही देख रहा था तो उसमें चार उसके वो भी बैठे हुए हैं मीटू वाले, और ये सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर अमेजोन पे। ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए सर। चलिए मैं वो ब्रांड के दे, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करवानी इसलिए पहले ही हमें पता हो इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड को नहीं छेड़ना। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई जी। पूछे हमजा पूछे। सर मैं कह रहा था कि आपने कहा कि सेलर के साथ कम्युनिकेट करके उसका ऑर्डर फुलफिल करवाएंगे, जो ऑर्डर हमारी अपनी वेबसाइट पे आया होगा, ऐसी है ना? तो सर जो ऑर्डर हमारा सेलर फुलफिल कर देगा वो तो एड्रेस वगैरह अपना नंबर शंबर उस पर डाल के देगा, तो वो हमारा जो बायर है वो हमसे लूज नहीं हो जाएगा? मतलब नहीं हम क्यों, वो नेक्स्ट टाइम फिर बायर उसे ने हमारी डायरेक्टली, सर वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस किया है? वो डायरेक्टली उसके साथ जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं वो भी सब, अभी इसके हम तो भी मिडल मैन बने हुए हैं ना, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं ना है, वो पाकिस्तानी नहीं है। हम तो चाह रहे होते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मिल जाए हमें। इसमें ये है कि चले अगर आप, फिर आप फुलफिल करवा लें, आप कहें आप अपने मैन्युफैक्चरर से कहें कि शिपमेंट मैं खुद करवा लेता हूँ, ठीक है आप प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड कर दें। आप लेट्स को देखें ना, आप 6 दिन का टाइम है आपके पास, दो दो दिन देखें कितने ऑर्डर आए हैं, 2 दिन के ऑर्डर की इकट्ठी इन्वेंट्री मंगवाएं, उनको खुद किसी कोरियर कंपनी के थ्रू शिप करवा लें, चार्जेस अपने क्लाइंट को डालें और उसी से प्रॉफिट मार्जिन लेके, क्योंकि डायरेक्ट पैसे किसके पास आने हैं, आपके पास आने हैं। आपने अपने कोरियर कंपनी के चार्जेस और अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बाकी सारे पैसे अपने क्लाइंट को दे देने हैं। सिंपल, आप ये काम कर लें फिर, इससे फिर आपकी आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके पास रहेंगे, बायर्स भी आपके पास रहेंगे। कोरियर सर कैसे कोरियर कंपनी को कैसे देंगे हम? कंपनी, कोरियर कंपनी तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे जाएं, DHL वाले हैं आपके पास, आपके पास URL वाले हैं, ठीक है जी, URL वाले ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है जी, आपके पास पैंथर वाले हैं, तो डिफरेंट कोरियर कंपनीज है। URL वाले तो अमेजोन के साथ भी अटैच है, URL वालों ने अमेजोन के साथ भी क्या नाम है अपने MOU वाले साइन वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। तो आप URL वगैरह के थ्रू आप करवा लें अपनी शिपमेंट, URL नहीं होते, आप DHL वालों के थ्रू करवा लें। जैसे बहुत सारी कोरियर, हाँ जी कोरियर वाला पहले खुद आके रिसीव करेगा हमारे सेलर से। नहीं, कोरियर वाला, अब यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोसीजर इसमें यह होगा कि सबसे पहले तो आपका जो सेलर है वो इन्वेंट्री भिजवा देगा फिर आपके पास, और फिर आप अपनी तरफ से कोरियर वाले को कांटेक्ट करेंगे, वो फिर आपके पास आएगा, आपसे इन्वेंट्री उठाएगा और आपके बायर को दे देगा। वैसे ये डबल डबल चीजें रहती हैं, होना वैसे ये चाहिए। पाकिस्तान सेंड करेगा पहले।
नहीं आप पाकिस्तानी बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं, फिर मैं तो तो मैं सर आपको बता यहाँ देता से बैठ के कर हूँ। रहा हूँ ना, यहाँ से बैठ के अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग ये कर रहा बड़ा हूँ। क्या होगा, सिंपल भी चीज आपने ये करनी है कि आपने क्या करना है, आपने खुद ही कोरियर कंपनी को हायर करना है। वो कोई भी हो सकते हैं, फेडेक्स वाले हो सकते हैं, आपके ये DHL वाले हो सकते हैं, आपके URL वाले हो सकते हैं। उनमें से किसी एक के सारों के चार्जेस देखें जो फिजिबल लगती है, उसको कॉन्टेक्ट करें, उसको अपने क्लाइंट के वेयर हाउस का एड्रेस दें, क्योंकि आपका क्लाइंट ऑब्वियसली एक होलसेल सप्लायर होगा, एक क्या नाम है, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होगा, उसके पास प्राइवेट वेयर हाउस हो गई होगा या उसके फैक्ट्री होगी, उसको वहां का एड्रेस दें। वो वहां जाएंगे, वहां आपकी इन्वेंट्री पड़ी होगी, वो वहां से उठाएंगे। सेकेंड एड्रेस आपने अपने बायर के घर का दिया होगा, आप वहां जाके अपने बायर को प्रोडक्ट दे दें, सिंपल। सही सही सही, ठीक है, ये ठीक है, पर ये चार्जेस बड़े बियर करने पड़ेंगे इसमें। वो तो फिर आप जब वो आप पेमेंट आपको मिलेगी, जब आपको पैसे मिलेंगे अपने क्लाइंट की तरफ से, अपने बायर की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट $10 में सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, तो $10 में तो ही ना आप सेल करेंगे यहाँ पे, आप ये सारे चार्जेस और प्रॉफिट वगैरह लगाएंगे उसके ऊपर, आप इसके अंदर फिर ये कोरियर चार्जेस भी ऐड करेंगे, और आपको क्या पता फिर उधर अपनी वेबसाइट पे उसको 15 या 20 की सेल कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि अली एक्सप्रेस में एक प्रोडक्ट अगर $5 की सेल हो रही होती है, तो वो प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर भी $5 की सेल हो रही होती है? नहीं, प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर वो 40 से 50 डॉलर की सैलरी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेट वेबसाइट होल्डर ने अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है, सैलर ने भी प्रॉफिट निकालना होता है, DHL वालों के, URL वालों के ये चार्जेस भी होते हैं, शिपिंग चार्जेस वगैरह, वेयर हाउस चार्जेस वगैरह, ये सारे होते हैं। तो उन्होंने फिर सारे प्रॉफिट जनरेट करके, सारे कैलकुलेट करके फिर उधर उन्होंने रखने होते हैं, ठीक है? तो ये भी सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। जी सर, ठीक हो गया। जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप में से? सर मतलब हम कोई खुद से प्रोडक्ट ले लें और बाद में ब्रांड एफिलिएट ना करवाए, ऐसा तो नहीं होता? आप खुद से क्यों कोई प्रोडक्ट लेंगे? यही तो चीज है ना, आपने नीश अपनी मर्जी से चूज करनी है, आपने नीश अपनी मर्जी से चूज करनी है। मतलब मेरी मर्जी है, मैं किचन की नीश में जाऊंगा, ये मेरी मर्जी। उसी नीश का, उसी नीश की वेबसाइट क्रिएट करूंगा, उसी के ऊपर आर्टिकल लिखूंगा। जब मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, तब मैं ब्रांड को अप्रोच करूंगा, और वो ब्रांड जो मुझे अप्रूवल देगा, उसकी लिस्टिंग मैं उधर जाके शो कराऊंगा। उसके इजाजत के बगैर तो मैं वैसे भी शो नहीं कराऊंगा। मैक्रो नीश में रहना है, मैक्रो नहीं माइक्रो, वो मैक्रो तो बड़ी नीश हो जाती ना, माइक्रो नीश। आप लोग नीश रिलेटेड जितनी स्टार्टिंग में आप लोग स्पेसिफिक रहेंगे ना, वैसे तो जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतनी ट्रैफिक आपकी कम हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में किचन एक बहुत बड़ी नीश है। मैं क्या करता हूँ, मैं किचन सेट्स वालों को चूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं ये यूटेंसिल्स, नाइफ, दमस्कस नाइफ, सीजनिंग वगैरह, इनको चूज कर लेता हूँ, और जो बाकी आइटम्स हैं, कटलरी वगैरह है, कटिंग बोर्ड वगैरह है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये भी चीज हो सकती है, आप माइक्रो के साथ स्टार्ट कर लें, आप पूरी नीश को टारगेट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है।